बाबा साहब जो कर रहे हैं ना, वो ना कोई कर रहा है और ना कर सकता है। बाबा जी की चहेती है ये। मुझे रात को ना ज्यादा कपड़ों में नींद नहीं आती। दोस्तों, सबसे चर्चित वेब सीरीज आश्रम के चैप्टर 2 में बाबा की नई चहेती लड़की के बारे में जानकर आप भी एकदम हैरान रह जाएंगे। जानने से पहले अगर आपको भी आश्रम सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक प्रकाश झा ने OTT प्लेटफॉर्म को भी इस प्रकार से यूज किया, जिससे कि वह हमारे संसार में असल में हो रहे गलत कामों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आश्रम वेब सीरीज के बारे में, जिसके पहले पार्ट को इतना ज्यादा प्यार दिया गया कि सभी लोग देखकर एकदम हैरान रह गए। और अब इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी जल्द ही रिलीज होने जा रहा है 11 नवंबर को, जिसमें कहानी को आगे बढ़ाते हुए दूसरे पार्ट में और भी दिलचस्प वाक्य देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे हमारे देश में अलग अलग आश्रम इसीलिए बनाए गए हैं जिनमें भोले भाले लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ सीरीज में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि कहानी के साथ ही लोगों को अच्छे से संदेश दिया जा सके कि उन्हें किस प्रकार से इन बाबाओं के जाल में फंसाया जाता है। खास तौर पर अगर बात करें लड़कियों के बारे में, ये बाबा लोग नई से नई लड़कियों का शोषण करने के बारे में खुलकर बताया गया है। अब बात करते हैं उस अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने आश्रम वेब सीरीज में चार चांद लगाने वाला काम किया अपनी एक्टिंग के साथ। त्रिदा चौधरी, जो कि बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री दिखाई देती हैं और हर समय वह किसी भी प्रकार के रोल करने के लिए तैयार दिखाई देती हैं। आश्रम सीरीज में त्रिदा चौधरी को उनके इंटीमेट सीन्स के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन इन सीन्स को करने में त्रिदा ने जो दलेरी दिखाई वह कोई और अभिनेत्री शायद ही इतनी आसानी से कर पाती। इसीलिए आश्रम सीरीज के बाद त्रिदा की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जैसे वह बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री हो। आश्रम वेब सीरीज के दूसरे पार्ट में त्रिदा बाबा निराला यानी कि बॉबीदुल के सबसे करीब रहने वाली लड़की दिखाई देंगी, क्योंकि बाबा को हर बार कोई ना कोई नई लड़की चाहिए होती है अपनी प्यास बुझाने के लिए, इसीलिए अब उनकी यह प्यास त्रिदा ही पूरी करती हैं। इसके अलावा अभिनेत्री अदिति पोहांकर, जो कि इस सीरीज में पहलवान का रोल और बाबा की सबसे बड़ी भक्त के रोल में अदा कर रही हैं, उनका भी सबसे अहम किरदार होगा। लेकिन इसमें दिखाया गया कि बाबा तो अपने इस भक्त को भी नहीं बख्शते और उनके साथ भी भद्दी हरकत कर देते हैं, जो कि अदिति को बाद में पता चलता है। तो दोस्तों, आपको आश्रम वेब सीरीज में त्रिधा चौधरी और अदिति पोहांकर में से किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।